जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा, कर्म फल प्रदाता, न्यायकारी ग्रह, हमारे कर्मों के ऊपर अधिकार रखने वाले ग्रह शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। अब ये शनि पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये शनि अब मकर में नहीं होंगे, मकर की जगह ये अब कुंभ राशि में चलेंगे। और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, यानी स्वराशि से भी ज़्यादा प्रबल अगर कोई ग्रह महसूस करता है तो वो मूल त्रिकोण में करता है, और मूल त्रिकोण से बेहतर अगर करता है तो वो उच्च का होकर करता है। तो अब शनिदेव अपनी ही दूसरी राशि कुंभ राशि के अंदर 17 जनवरी 2023 को प्रवेश करेंगे और लगभग 2.5 वर्ष तक की अपनी यात्रा जून 2025 तक शनिदेव इसी राशि के अंदर पूर्ण करने वाले हैं। अब उस परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये मेरा आज का विशेष विषय रहने वाला है कि इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। यानी यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी शनिदेव राशि से एकादश यानी चंद्रमा से 11वें घर में शनि का ट्रांजिट होगा जनवरी 2023 से जून 2025 तक। अब इसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म लाभ के मालिक है। इसका मतलब इनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर्म और लाभ पे आता है। फिर शनि की दृष्टि आपकी राशि पर पंचम भाव पर और अष्टम भाव पे आती है, इसका भी अपनी जगह कोई ना कोई प्रभाव है। उसके अलावा आपके फाइनेंस के लिए, आपके पैसे के लिए, आपके काम धंधे के लिए, आपकी संतान, आपके वैवाहिक जीवन, इन सब पर भी इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव आएगा। अब उसका प्रभाव का आपके जीवन पर क्या इफेक्ट है कि भी मेरे लिए ये कैसा है, कि मन में सवाल आता है कि भी मेरी मेष राशि है तो मेरे लिए शनि क्या करेंगे, उसी के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। अगर हमें ज़रूरत लगे कि हमें कोई रेमेडी बतानी चाहिए तो हम उस उपाय को भी आपको इस वीडियो में साझा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप प्लेनेट के गोचर को समझते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ यही नहीं कि शुरुआत की वीडियो छोड़ दी, इंट्रोडक्शन छोड़ दिया, कुछ उसके बारे में सुना नहीं, बस मतलब की बातें सीखी और कुछ अच्छी बात जो मैंने पहले बता दी वो आपकी सब निकल गई। तो अगर वीडियो में इंटरेस्ट है तो वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा उसको देखने से फायदा नहीं है। आधा अधूरे वीडियो कभी भी ना देखें, मेरा ही नहीं किसी का भी ना देखें। अगर आपको कुछ उसमें से चाहिए कि मेरे लिए क्या है तो आपको उसके लिए समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं जीवन में। तो आइए देखते हैं कि शनिदेव आपके लिए क्या देंगे। देखिए शनि आपकी राशि से 10th लॉर्ड भी हैं और 11th लॉर्ड भी है, यानी कर्म भाव और लाभ भाव दोनों के मालिक है। यानी पहले ये ग्रह कर्म कराएगा फिर ये ग्रह लाभ देगा। पिछले 2.5 पौने 3 वर्ष से देखें तो राशि से दशम भाव पे शनि चले। शास्त्र कहता है राशि से दशम पे शनि हो तो कार्य क्षेत्र तो होता है क्योंकि वो स्वराशि का है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के लिए संघर्ष बरकरार रहता है, क्योंकि राशि से दशम में बैठे हुए शनि के बारे में शास्त्रीय ज्योतिष में अगर देखें तो कोई बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ, जबकि व्यवहारिक ज्योतिष में देखें, एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो फिर भी कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं। कहते हैं राशि से दशम में शनि हो तो कार्य क्षेत्र के अंदर कोई मान सम्मान हानि या परेशानी भी आती है, अपने काम को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति के एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राशि से दशम में बैठकर शनि ने आपको कुछ दिया, आपको एक ट्रैक दिया कि मुझे किस ट्रैक पर चलकर काम करना है। कि दशम में बैठ कर उसने द्वादश भाव पर दृष्टि दी 12वें घर पर, तो इसका मतलब है टूर ट्रैवलिंग यात्रा, दूर स्थान से जुड़कर काम करना, विदेश के लोग आपसे जुड़ गए, बाहर के लोग आपसे जुड़ गए, आपको क्लाइंटेज मिल गई, आप नौकरी हैं तो बाहर जाके आपने नौकरी कर ली, व्यापार आपने बाहर से जोड़ लिया, तो ये सब भी शनि ने दिया है। अब उसने कर्म तो बना करा लिया, काम तो शनि ग्रह ने बहुत करा लिया। अब उस कर्म का क्या हमें लाभ भी मिलेगा, क्या उसका हमें कुछ मिलेगा या हमारे लिए वो मेहनत खराब जाएगी, ये डिपेंड करता है आपकी राशि से 11th हाउस पे कि चंद्रमा से यानी आपकी राशि से 11वें घर में शनि। इसको समझने की कोशिश करो। देखिए सबसे पहली बात क्या है, 11वां भाव काम त्रिकोण में सबसे बड़ा भाव है, कि भी 3, 3 से अच्छा 7, 7 से अच्छा 11, और ये काम त्रिकोण भाव है यानी इच्छा पूर्ति का भाव। ऐसा प्लेनेट अगर बैठता है, कहते हैं चंद्रमा से 11वें घर में अगर मैलेफिक्स प्लेनेट हो, स्वभाव में अशुभ, जैसे शनि को स्वभाव में अशुभ कहा गया, तो ये आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल करने की क्षमता देता है। ये सबसे अच्छी बात है इस ग्रह के अंदर कि ये आपकी इच्छाओं को बढ़ने नहीं देगा, ये आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करेगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आपका मन नहीं भटकेगा, व्यर्थ की जगह आपका ध्यान नहीं जाएगा।
ये है आपके संयम शक्ति, आपकी धैर्य शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत करने की स्थिति देने वाला ग्रह, इसलिए शनि को अच्छा माना गया है राशि से 11th। अब ये है वृद्धि का भाव, क्योंकि इसको हम 3, 6, 11 त्रिशूलाय भावों में और 3, 6, 10, 11 उपचय भावों में भी जोड़ते हैं। इसका मतलब ये 11th हाउस वृद्धि का भाव है, यहां गया हुआ कोई भी ग्रह की वृद्धि होती है, यानी 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, यानी वृद्धि किसकी हो रही है, शनि के कारकत्वों की। मेहनत करने की क्षमता बढ़ गई, पहले से ज्यादा अनुशासन वाले हो गए, पहले से ज्यादा धैर्य आपके अंदर आ गया। अब आपका टारगेट ये रहता है कि कैसे मैं अपने लाभ को आगे करूं, उसकी योजनाएं आपके मन में आएंगी, आपके सोच विचार बढ़ेंगे, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है, और उन सोच विचार को बढ़ाकर आप अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, उस लिए ये अच्छा है। 11th हाउस वृद्धि का भाव, इनकम का भाव, लाभ का भाव, यानी यहाँ पे गया हुआ ग्रह लाभ देगा। कहते हैं जब 11th लॉर्ड 11th हाउस में हो, यानी जब माफ कीजिएगा कि चंद्रमा से एकादश में शनि है, तो प्राप्तियां हो रही हैं। प्राप्तियां का मतलब है 11th हाउस है दशम से दूसरा, ये समझिए आप इसे, ये लगन से यानी राशि से 11th ही नहीं, ये दशम से दूसरा भी है कर्म का धन, राशि का लाभ, कि मैंने कर्म किया मुझे लाभ मिला, तरक्की मिली, आय के साधन बढ़ गए, पहले के मुकाबले सोर्स ऑफ इनकम मेरा बढ़ गया, ये इस शनि से है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना, ये शनि से आएगा। राशि से 11th में है तो जो लोग प्रमोशन चाहते हैं अपनी नौकरी के अंदर, जो लोग व्यापार में तरक्की चाहते हैं, जो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, शनि वहां से इस चीज को देंगे। यानी शनि 11th में बैठकर आपके लिए सभी तरह से बेहतर हो जाएंगे, चाहे आप नौकरी में हैं, जॉब कर रहे हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, व्यापार करते हैं, छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, लेकिन कुछ भी है, लेकिन तरक्की का स्तर तो बन गया, कि हमें यह पता लग गया कि हमारे आने वाला समय तरक्की का है। अब जिसने जितनी लागत लगा के काम किया हुआ है, हजारों की लागत वाला हजारों कमाएगा, लाखों की लागत कम वाला लाखों कमाएगा, और जो करोड़ों की लागत लगा के बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा के बैठे हैं, उनको लाभ भी करोड़ों जैसा ही मिलेगा। तो वो शनि की एक्सीलेंसी हमें यहां दिखाई दी। अब शनि की होती है 3 दृष्टियां। अब वो 3 दृष्टि कहां किस तरीके प्रभावित देखिए देखिए, कहते हैं शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे हो उस भाव से संघर्ष होता है। कहां पे हो रही है? आपके राशि पर ही शनि दृष्टि दे, यानी जहां पे आपका मून है वहां पे शनि देखते हैं, तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन देता है ये ग्रह, धैर्य देता है लेकिन थोड़ा बहुत डिप्रेशन, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा। कभी कभी आप कुछ अच्छी चीज सामने आएगी तो थोड़ा पजल हो जाएंगे, करूं ना करूं, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसका थोड़ा स्ट्रांग बिल्ड होकर काम करें कि हाँ मुझे एक ही टारगेट पर रहना करना। क्योंकि जब राशि से एकादश में शनि बैठ के वापस राशि को देखे तो व्यक्ति की स्वयं अपने आप से लड़ाई होती है कि मैं अपने आप को कहाँ स्टैंड करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को यहाँ देखना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि अपने बल पे मैं कुछ बहुत ऊंचा करूं, वो यहां से अच्छा आएगा। उस लिहाज से ये शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी हुई। 5th हाउस पर शनि की दृष्टि का मतलब है सीधा सीधा, ये समय एजुकेशनली अच्छा है, ये समय शिक्षा के लिए उत्तम है, क्योंकि आप देखिएगा कि अप्रैल के बाद बृहस्पति भी मेष राशि में आएंगे और उनकी भी पंचम दृष्टि पंचम भाव पे होगी। इसका मतलब दोहरा गोचर, शनि आपको शिक्षा कराएंगे, शिक्षा पूर्ति के लिए अच्छा। जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए ही अच्छा है, यानी शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी मैं इसको अच्छा ही मानता हूँ। वहीं संतान प्राप्ति के लिए, कंसीव करना चाह रहे हैं, चाहते हैं मेरे जीवन में संतान आ जाए, मुझे संतान का जन्म मिल जाए, मेरे जीवन में संतान का सुख हो जाए, उस लिहाज से अच्छा है। संतान के विवाह के लिए भी एक उत्तम समय को मैं इसको यहाँ मानता हूँ। शनि के लिए अगर वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो सप्तम भाव विवाह का है, उससे पंचम में शनि बैठा, और सप्तम से सप्तम यानी राशि को वापस दृष्टि देता है, यानी ये समय शादी के लिए भी अनुकूल है, कि कहीं ना कहीं संतान के इसने अगर योग दिखाए हैं तो कभी कभी किन लोगों के लिए संतान के योग बने, इससे पहले शादी तो होनी जरूरी है, तो शादी के लिए भी इसको मैं एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन मानता हूँ। पद प्राप्ति के लिए, सामाजिक स्थितियों के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, लाभ प्रमोशन तरक्की के लिए, सभी तरह से शनि उत्तम हुए। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि लगातार ये बताती है कि लाभ से बैठकर अष्टम पे दृष्टि होती है, तो ऐसे में व्यक्ति फॉरेन ट्रैवलिंग से पैसा कमाता है। जो लोग माइनिंग्स का काम करते हैं, जो लोग गहराई का काम करते हैं, जो लोग जल से संबंधित काम करते हैं, खदान का काम करते हैं,
जिनका काम यह है कि जमीन से निकलने वाली चीजों से हमें लाभ कमाना है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। पैतृक संपत्ति से मिलने वाला लाभ के लिए अच्छा है। कहीं पैसा रुक गया, कहीं पैसा फंस गया, किसी ने आपका पेमेंट रोक लिया, उस चीज को रिकवरी कराने के लिए ये प्लेनेट बहुत अच्छा है। यानी शनि की स्थिति, शनि की दृष्टि, शनि कहाँ के मालिक कहाँ बैठे हैं, सभी लिहाज से देखें तो एक एक्सीलेंट पोजिशन आती है मेष राशि के जातकों के लिए। यानी जीवन के अंदर बार बार ऐसा समय नहीं आएगा जो अपॉर्चुनिटी आपको इस दौरान मिलेगी, इसलिए धैर्य से काम कीजिए, क्योंकि आपकी राशि में राहु का ट्रांजिट चल रहा है अक्टूबर तक, और आपकी मेष राशि, आप थोड़े स्वभाव में जल्दबाज तो होते ही हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करिए, क्योंकि शनि मांगते हैं मेहनत, शनि मांगते हैं कर्म, और शनि मांगते हैं धैर्य। अगर ये सब चीज़ आप पर है तो आपको तरक्की से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो एक बहुत अच्छा ट्रांजिट मेष राशि के जातकों के लिए हमें देखने के लिए हम मिल चुका है। तो ये था मेरा आज का विषय, जहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर शनि का ट्रांजिट करने वाला क्या है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।